अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए जी, अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट को क्या रिलेशनशिप है विद द नाउन? कॉम्प्लीमेंट विद द नाउन, कॉम्प्लीमेंट एंड नाउन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन विद द कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट विद नाउन? देखिए, यहां पर कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है। अभी हाँ, बेसिक्स सिखाएंगे, फिर एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर से देखो। हाँ, जरा वहां से बोलिए। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम किस चीज को बोलते हैं? सर, कॉम्प्लीमेंट हम बोलते हैं जो किसी चीज को पूरा करता है। आपके सामने में एक सिंपल सी एग्जांपल, अगर मेरे पास आप बोलोगे पेन है, मार्कर है, पेन बोलते हैं, सर ये तो पेन है, मार्कर है, मगर इसको कुछ ना अभी नहीं है, वो क्या है? कैप है। जो ही आप इस कैप को ऐसे डालोगे, इसको पूरा बंद करोगे, तो ये मार्कर बनेगा। ठीक है, तो इसके बगैर क्या है? ये इनकम्प्लीट है। ये समझो, ये तो पेन है, मगर ये तो मार्कर है, मगर विदाउट कैप है। जो ही मैंने कैप डाली, पूरा हो गया। समझो, ये समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। समझ, कॉम्प्लीमेंट होता है जो एक सेंटेंस तो है, जो इस सेंटेंस को पूरा करेगा, जो इसको परफेक्ट बनाएगा, जो उसका पूरा फिल करेगा, जो उसकी पूरी सेंस को कायम करेगा, एसेंस को क्रिएट करेगा, दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। ये समझो, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसके बगैर ये जो है, ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? सर, अगर ऐसे ही रखेंगे ना, इसकी जो पूरी जो एक है ना, वो ड्राई हो जाएगी और ये फिर लिखेगा नहीं, इसका सेंस क्रिएट ही नहीं होता है। है, मगर इसके बगैर है। तो दूसरी एग्जाम्पल सिंपल है, अगर हमारे पास कोई इंसान है, मगर वो बेचारा है, उसकी एम्प्यूशन हो गई है, एम्पिटूटेशन हो गई है, यानी कि उसकी कोई लेग कट गई है, गॉट इट, कट ऑफ हो गई, तो हम उसको इंसान बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हैंडीकेप्ड। क्या बोलते हैं? हैंडीकेप्ड, यानी उसमें नुक्स आ गए, गॉट इट, यानी कि इंसान तो पूरा है मगर लेग नहीं है, तो वो क्या बन गया? वो नुक्स बन गया। ऐसे ही होता, सेंटेंस तो पूरा है मगर उसको जो कंप्लीट करने वाला कॉम्प्लीमेंट है, COMPLE है यार। और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो क्या होता है? वो होता है विश करना। वो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी को कॉम्प्लीमेंट पेश करते, ग्रेटिट्यूड पेश करते, ये कॉम्प्लीमेंट अलग है, वो कॉम्प्लीमेंट अलग है, गॉट इट, प्रोनंसिएशन तो सेम है, मगर यहां पर जो मित्रों ई है और वहां पर ई है, गॉट इट, वहां पर आई है, यही डिफरेंस है। क्या मैंने बोला? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लास जो इस क्या नाउन को, इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, इसको क्या करे? डिस्क्राइब करे। डिस्क्राइब मतलब है, सर मेरे पास तो पेन है, ये पेन है, मगर मुझे ये काला दिखता है, ये जो पेन है काला है, ये जो काला है वो इसको डिस्क्राइब करता है, इसकी क्वालिटी को बयान करता है, तो उसको मैं बोलूंगा, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्राइब करना, क्वालिफाई करना, एनहेंस करना, इसी चीज को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को क्या करे? डिस्क्राइब करे, उसकी एसेंस को पूरा करे। और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दूसरा होता है, वो कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की जगह वाला जो होगा, उसको डिस्क्राइब करे, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है फिर? एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को पूरा करे, डिस्क्राइब करे, कुछ भी करे, एनहांस करे, एसेंस फिल करे, परफेक्ट करे, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट को क्या करे? पूरा करे, डिस्क्राइब करे, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा यहां पर। हाँ, देखिए, अब यहां पर मैंने यहां पर लिख डाला, फॉर एग्जाम्पल, फॉर फेजान लुक्स ब्यूटिफुल। देखिए, यहां पर हमें सब्जेक्ट कौन है? देखो, सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं हम डोर को बोलते हैं ना जी, किसको बोलते हैं? नॉन डोर को बोलते हैं ना जी, ना जी, नॉन एजेंट को बोलते हैं ना जी, ना जी, एजेंसी को बोलते हैं ना जी, ना जी, गलत। बेस्ट जो डेफिनेशन है सब्जेक्ट की मित्रों, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, याद रखना, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। मैं अभी वो भी दिखाऊंगा, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट, वो जरूरी नहीं है वो पहले आएगा, वो यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, वो यहां पर भी आतंक मचा सकता है, यहां पर भी मचाएगा, यहां पर भी मचाएगा मित्रों, दिखाएंगे। पहले आपको सिखाएंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए, यहां पर जो सब्जेक्ट है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हाँ, फैजान के बारे में, तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट। हाँ, जोर से बोलो, बोलोगे तो समझोगे, नहीं बोलोगे तो कभी नहीं समझोगे। यहां पर देखो, फैजान लुक्स, फैजान दिखता है, दिस इज कॉल्ड द वर्ब, फैजान दिखता है, कैसा दिखता है? ब्यूटीफुल दिखता है, और यही जो ब्यूटीफुल है, ये इसको डिस्क्राइब करता है,
इसको क्वालिफाई करता है, ये इसके डिस्क्रिप्शन को बयान करता है। डिस्क्रिप्शन क्या बयान करता है? डिस्क्रिप्शन को, या सर ये क्या है, ये इसको बयान करता है कैसा है और इस सेंटेंस को पूरा करता है, तो इसी को बोलेंगे ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये सर? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। मगर इसी को बोलेंगे ये सब्जेक्ट को बयान करता है, इसी को बोलेंगे सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हाँ क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, देखिए यहां पर अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंपल सा है। यहां पर देखिए वी चोज हिम, सर यहां पर तो सब्जेक्ट है तो ये वर्ब कहलाती है और हिम जो है दिस ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट। मुझे बोलिए क्या प्रेसिडेंट चोज है? ना जी नहीं है, क्योंकि चोज जिसको हम चूज करते हैं ये चोज जिसको पढ़ते हैं, गॉट इट? प्रोनंसिएशन है, ये वर्ब है। क्या प्रेसिडेंट वी है? ना जी नहीं है। तो प्रेसिडेंट कौन है? यहां पर जो प्रेसिडेंट है ये किसको डिस्क्राइब करता है? We chose him, हमने उसको बनाया, हमने उसको चूज किया प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट है ये इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। इस प्रेसिडेंट को इसके साथ कुछ नहीं, इस प्रेसिडेंट को इसके साथ कुछ नहीं, इस प्रेसिडेंट को इसके साथ। क्यों? हिम ही प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ही हिम है, इसी को बोलते हैं। मगर ये यहां पर क्या है? हिम ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, इसी को बोलेंगे यहां पर ये जो है ये इसको डिस्क्राइब करता है। हिम तो है, क्या है? वो तो प्रेसिडेंट है, इसी को बोलते हैं मित्रों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हाँ याद रखना, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी हम फिर जो लेक्चर होने को है वो कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे, हम कैसे फंक्शन करता है नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल। माफी, शुक्रिया।